बहरोड थाने में गोलीबारी कर हवालात में बंद विक्रम उर्फ पपला गुजर को भगाने में मदद करने वाले बदमाशों की जानकारी देने वालों को पुलिस 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने का इनाम रखा गया था। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी श्री अनिल पालीवाल ने बताया कि सोमवार को एसओजी ने विक्रम उर्फ पपला को फरार कराने वाले गिरोह के 3 और इनामी सदस्यों को रेवाड़ी हरियाणा निवासी चंद्रपाल उर्फ चंदू पुत्र राजपाल यादव, प्रशांत पुत्र राज बहादुर व आकाश यादव पुत्र श्री राजकुमार यादव को गिरफ्तार किया है। तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपयों का इनाम घोषित किया गया था। श्री पालीवाल ने बताया कि 6 सितंबर 2019 को थाना बहरोड से पपला उर्फ विक्रम गुज्जर को उसकी गैंग द्वारा थाने पर हमला व फायरिंग कर फरार करा लिया था, जिसका अनुसंधान एसओजी द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रकरण में थाने पर हमला कराने के षड्यंत्र व हमले में शामिल अभियुक्त विनोद स्वामी, कैलाश चंद्र, जगन खटाना, महिपाल गुज्जर, सुभाष गुज्जर, नरेंद्र सिंह, श्याम सुंदर उर्फ अशोक, जितेंद्र उर्फ जीतू, विक्रम सिंह, महेंद्र उर्फ पप्पू गुजर, अजय कुमार उर्फ बिल्लू तथा 2 इनामी अभियुक्त दिनेश कुमार व दिशांत गुज्जर को एसओजी द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। इस प्रकार एसओजी द्वारा इस प्रकरण में अब तक कुल 5 इनामी अभियुक्तों सहित कुल 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मुलाजिमों से गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। अन्य भक्तों की सरगर्मी से तलाश जारी है। स्पेशल डेस्क से पलक गुप्ता की रिपोर्ट, नवतेज टीवी।